गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होता है देखिए, इसकी हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सेट्स की नोटेशन, क्या नोटेशन है इसकी, उसके बाद हम सेट्स की टाइप्स के ऊपर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेट्स, इसके डेफिनेशन देखिए क्या होती है। डेफिनेशन देखिए सेट्स की क्या होती है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट्स जो होता है वो एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, किसका होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या मान सकेंगे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वेल डिफाइंड का हम क्या मानेंगे, व्हाट इज द वेल डिफाइंड, ए सेट इज वेल डिफाइंड। यहाँ पे हम वेल डिफाइंड के बारे में बताना चाहेंगे कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उसमें क्या महत्व है, सेट के अंदर उसका क्या महत्व है, क्यों ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया है, तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कोई भी जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होता है। कब होता है, इफ देर इज नो एम्बिग्यूटी, देर इज नो एम्बिग्यूटी, यानी कि उस कलेक्शन के अंदर ए सेट इज ए वेल डिफाइंड इफ देर इज नो एम्बिग्यूटी इन कलेक्शन, यानी कि किसी भी कलेक्शन के अंदर अगर अस्पष्टता नहीं होती है, तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड सेट कहेंगे। ए सेट इज वेल डिफाइंड इफ देर इज नो एम्बिग्यूटी इन कलेक्शन, किसी ग्रुप के अंदर, किसी कलेक्शन के अंदर अगर अस्पष्टता नहीं मिलती है तो हम उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। अस्पष्टता नहीं मिलती है तो, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी अपने पास कलेक्शन होता है वो एक ऐसा कलेक्शन हो कि उसमें हमें स्पष्टता नजर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाना चाहूंगा इस बात को कैसे हम समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं, एक एग्जाम्पल ये है, ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास या इन टेंथ क्लास लिख दें, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों की संख्या का एक कलेक्शन, टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया यहां पे, ए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन टेंथ क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन टेंथ क्लास। अब देखिए यहां पे इन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों में डिफरेंस देखिए कहां पे स्पष्टता है और कहां पे स्पष्टता नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन टेंथ क्लास, दसवीं क्लास में विद्यार्थियों का एक कलेक्शन। अब टेंथ क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी
संख्या उनके नाम हम लिख सकते हैं, वो डेफिनेट हमारे पास है, वो डेफिनेट है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। अब बात करें सेकंड एग्जांपल में, ए कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन टेंथ क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को हम कैसे नापेंगे, किस स्टूडेंट को हम ये कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट है? स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी के बारे में हम यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि जो स्टूडेंट 90% का है वो भी इंटेलिजेंट है, जो स्टूडेंट 99% का है वो भी इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट तो दोनों कैटेगरी में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि और भी कैटेगरी बन सकती है। इंटेलिजेंट तो वो भी बच्चा जिसके 70% की कैटेगरी में आता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हम बना सकते हैं इंटेलिजेंसी में। इंटेलिजेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सी कैटेगरी बन जाएंगी। और यहाँ अस्पष्टता है, यहाँ है अस्पष्टता, और अस्पष्टता बनती है तो ये आपका सेट के अंदर नहीं आएगा, दिस इज नॉट इन सेट। और ये आपका सेट में आ जाएगा कि हमने लिखा है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हमें एक कलेक्शन में रखना है, तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स सारे हो गए, गर्ल्स भी होगी, बॉयज भी होगे, सारे हो गए, काउंट भी कर सकते हैं उन सभी को, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स और रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये सेट बन सकता है और ये सेट नहीं बन सकता। देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल, ए कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, और सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा ए कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडियन टीम। यहां पे भी इन इंडियन टीम करें, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि हॉकी के प्लेयर्स इन इंडियन टीम, भारतीय टीम में हॉकी के प्लेयर्स का कलेक्शन, भारतीय टीम में हॉकी के प्लेयर्स का कलेक्शन है, तो यहां पे एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि हॉकी के प्लेयर आते हों इन इंडियन टीम, भारतीय टीम में हॉकी के प्लेयर्स का एक कलेक्शन इन इंडिया कायम भारत में हॉकी के प्लेयर्स का एक कलेक्शन, और यहाँ पे भारत में हॉकी के अच्छे प्लेयर्स का कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो ये गुड क्वालिटी दी गई है, ये एक क्वालिटी है, और यहाँ पर ये क्वालिटी दी गई है, इस क्वालिटी को हम देखते हैं कि वो प्लेयर्स जो हॉकी के हों और अच्छे हों। अब प्लेयर्स जो हॉकी के हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं प्लेयर्स अच्छे। किसी जेंटलमैन के लिए प्लेयर जो हॉकी का है वो अच्छा अलग है, दूसरे के लिए हो सकता है वो प्लेयर अच्छा ना हो, यानी सेकंड जेंटलमैन के लिए हो सकता है वो प्लेयर अच्छा ना हो। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसी लिस्ट नहीं बना सकते, एक ऐसा कलेक्शन नहीं बना सकते कि जो कलेक्शन हर एक व्यक्ति के लिए बने, हर एक व्यक्ति के लिए वो कलेक्शन बने, यानी स्पष्टता नहीं है यहाँ पे। इस बात की स्पष्टता नहीं है यहाँ पे कि
हम एक लिस्ट बनाए और उस लिस्ट के जितने भी प्लेयर्स हैं वो हर एक व्यक्ति को गुड लगे, ठीक है। इस बात की स्पष्टता यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसको सेट के रूप में नहीं कह सकते। अब ये आपके पास है एक कलेक्शन ऑफ हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, भारत में हॉकी प्लेयर्स का एक कलेक्शन है, ये एक सेट बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जिस भी स्टेटमेंट में हम क्वालिटी की बात करेंगे, जैसे कि कोई भी कलेक्शन है रिच पर्सन का, एक कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, ये भी आपका सेट नहीं होगा। ए कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, ए कलेक्शन ऑफ पुअर पर्सन, ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शन है, ये एक सेट के रूप में नहीं रहते हैं। इसके अलावा हम ये कहेंगे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथ्स, हम एक ऐसा कलेक्शन बनाएं जिस कलेक्शन के अंदर ऐसे टॉपिक ऐड किए जाएं जो इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब हम यहां पे कौन कौन से टॉपिक को इंटरेस्टिंग माने, अलग अलग जेंटलमैन के सामने अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, किसी को कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे, किसी का किसी में इंटरेस्ट हो, किसी का किसी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, यानी कि कोई कॉमन टॉपिक नहीं बन पाता है। हो सकता हो एक आध कॉमन टॉपिक बन भी जाए, लेकिन सारे के सारे टॉपिक तो इंटरेस्टिंग एक व्यक्ति के लिए ना भी हो सके, ठीक है। नहीं, हमने मान लीजिए एक लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में जितने भी टॉपिक लिखे हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए इंटरेस्टिंग तो नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे स्पष्टता नहीं है और हम इस स्टेटमेंट को या इस कलेक्शन को सेट के अंदर नहीं लेंगे और ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन के अंदर, सेट के कलेक्शन के अंदर नहीं आते। अब इसके बाद हम इसकी नोटेशन की बात करते हैं। देखिए सेट को हम किस तरह से नोट आउट करेंगे। ये हमारी डेफिनेशन थी सेट की, यानी सेट को पहचान कैसे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक सेट के अंदर ही आते हैं। एक कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, एक कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एक कलेक्शन ऑफ होल नंबर, एक कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे के सारे सेट के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें स्पष्टता होती है। इसके बाद हम बात करें जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ, जैसे हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की बात आती हो, तो कोई भी राइटर है तो उसने अपनी कहानियां लिखी हैं, तो वो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है, सभी के सामने है, पता है सभी को कि ये कहानियां इसके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। इस तरह का भी कभी कभार हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नोटेशन की, सेट को हम किस तरह से नोट कर सकते हैं। नोटेशन ऑफ सेट, अब कोई भी सेट होता है, कोई भी ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम एक तो कैपिटल लेटर्स से नोट करेंगे, कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या कैपिटल डी से, और उस सेट को हम या उन सेट्स में, उस कलेक्शन में जितने अंदर होते हैं पॉइंट्स, उनको हम एलिमेंट्स के रूप में डिनोट करेंगे। यानी कि ये तो ए बी सी और डी, ये तो हमारी नोटेशन है, उसको हम नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, ये लिख दिया मैंने, और ये कैपिटल ए इक्वल टू, तो ये तो कैपिटल ए है, तो ये तो हमारी नोटेशन हुई, और यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या हो जाएगी, एलिमेंट्स। इन स्मॉल लेटर्स को हम कहेंगे एलिमेंट्स। हम इसमें ऐसा भी एक पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास एलिमेंट ए है, तो ए बिलोंग्स टू ए, ये निशान हमारा बिलोंग्स टू का है, इसको हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। बी, बी इस सेट के अंदर है, तो ये भी लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू ए। डी नहीं है मान लीजिए, तो डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे।
तो ये जो हमारे पास साइन है ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। अंदर जो एलिमेंट होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, बाहर जो आपके पास नोटेशन होती है वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है, और जो ब्रैकेट होती है ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट लगाई जाती है। सेट के अंदर जो ब्रैकेट यूज की जाती है ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज की जाती है, इसके अलावा कोई दूसरी ब्रैकेट इसके अंदर यूज नहीं की जाती। ये आपके सेट की नोटेशन के बारे में है। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में और देखते हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेट की रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से की जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन दो तरीकों से होती है सेट की रिप्रेजेंटेशन, यानी दो तरीकों से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं सेट को, और हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म, या हम इसको दूसरे नाम से भी निनोट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पहले रिप्रेजेंटेशन है टेबुलर फॉर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होती है देखिए, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर जो हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम एक लिस्ट के अंदर लिखते हैं, यानी एलिमेंट्स को कोमा लगा के अलग लिख सकते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी एक लिस्ट के अंदर लिखते हैं। इट इज ऑल्सो ए लिस्टिंग फॉर्म, एक लिस्टिंग फॉर्म के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं, और ये आपकी टेबुलर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बना दिया, सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो ये आपका एक सेट हो गया, और ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं 2, 4, 6, 8, 10, ये भी आपका एक सेट हो गया, और ये भी किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में ही है। यहाँ बीच में कोमा लगना चाहिए, और यहाँ पे इस तरह से आपके पास टेबुलर या रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो आपका लेटर है जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। और इसके बाद सेकेंड जो हमारे टाइप आती है वो होती है, देखिए सेकेंड टाइप, सेकेंड जो हमारे टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको दूसरा तरीका यानी दूसरा नाम रूल मेथड फॉर्म, रूल मेथड फॉर्म भी होता है इसका। अब देखिए जो पहली टाइप हमारे पास आती है उसमें लिस्टिंग फॉर्म होती है, यानी लिस्ट में लिखा जाता है उसमें एलिमेंट को, और उन्हीं एलिमेंटों को हम एक प्रॉपर्टी के जरिए लिखें या एक स्टेटमेंट के जरिए लिखें तो उस फॉर्म को नाम दिया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म। इसका लिखने का तरीका क्या होता है देखें कि सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये आपके पास कॉमन रहेगा एक्स सच दैट, और पी ऑफ एक्स, यानी कि आपको यहां पर इस एक्स की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहां एक सेट बी बनाता हूं, मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई और लास्ट में है ये जेड तक, तो यहाँ पे देखिए ये एक मेरे पास सेट है, ये जो सेट है ये किस फोरम में है, ये आपके पास जो सेट है ये रोस्टर फोरम में है, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, लिस्टिंग फोरम भी कह सकते हैं रोस्टर फोरम का दूसरा नाम, तो ये लिस्टिंग फॉर्म में है। अब इसी मटेरियल को मैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा इसी फॉर्म को, देखिए रूल मेथड फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट,
और x इज एन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। देखिए बात वही है, यहां पे हमने लिस्ट में लिख दिया उस मटेरियल को, अब यहां पे ये जो मैटर है ये इंग्लिश अल्फाबेट के रूप में लिखा है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट के तौर पे रिप्रेजेंटेशन है, एक डेफिनेशन के एक प्रॉपर्टी के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा हम एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे सी इक्वल्स टू कोई सी सेट बना दिया और लिख देता हूं 2, 3, 5, 7, 11 ब्रैकेट बंद। अब ये मैंने जो सी सेट बनाया है ये कौन सी फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि यहां लिस्ट बनी हुई है कोमा लगा के, ये रोस्टर फॉर्म में है। इसको मैं चेंज करना चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मैटर फॉर्म में तो कैसे चेंज करूंगा, देखिए इसी मैटर को हम एक स्टेटमेंट के तौर पे या एक प्रॉपर्टी के तौर पे लिखना चाहेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 2, 3, 5, 7 और 11 ये हमारे पास एक प्राइम नंबर्स है, एक प्राइम नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सेट सी इक्वल्स टू, यहां हम लिखेंगे सेट सी इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं हम सेट सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स इज प्राइम नंबर। अब ये जो प्राइम नंबर है ये किससे छोटे हैं, लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 12 या 12 से कम प्राइम नंबर्स हैं, और इसको मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिखा है और ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहेगी सेट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में नेक्स्ट डे। थैंक यू।